इस वक्त मैं खड़ा हूँ नारसपारा में वार्ड क्रमांक 40 में और हमारे साथ में है माजी नगर सेवक सचिन देसाई जी। आज यहाँ पे नाले के RCC काम के लिए 2,98,00,000 टेंडर पास हुआ है, जिसके बाद एक बार आप दिखाइए पीछे ये जो आप नाला देख रहे हैं, बरसात में ये भर जाता है, लोगों को काफी तकलीफ होती है, जिसको लेके आज यहाँ पे टेंडर पास किया गया है। इलेक्शन के पहले यहाँ के लोगों को एक सौगात है, इलेक्शन के पहले की सौगात ने हमारे लोकनेता नितिन ठाकुर के यही कहना है कि इलेक्शन आना है तो काम नहीं, हम लोग 365 दिन काम करते हैं। एक दो साल पहले काम पास हुआ था, लेकिन कोरोना काल में ये बजट की वजह से हम लोग को ये पास नहीं कर रहे थे, लेकिन युवा आमदार सतीश ठाकुर और हमारे लोकनेता नितिन ठाकुर के माध्यम से एक महीने में ये पाइल पुटअप होके आज यहाँ के स्थानिक लोग के लिए और यहाँ के हमारे रहवासी के लिए एक सुकून का और अच्छा काम हो रहा है। 2020 में आपके जो कार्यकाल थे नगर सेवक के वो खत्म हो गए थे, उसके बाद 2 साल तक आप माजी हो गए, तो उस वक्त आपने ये काम क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, कहने की मैं आपको पहले कहा कि कोरोना काल में एक भी फाइल कौन से काम नहीं कर दे, सिर्फ दवाई कोरोना काल में जो काम दवा पानी का या कोरोना का कुछ भी होगा, आयुक्त ने या महाराष्ट्र शासन गाइडलाइन निकाली थी कि वो कुछ भी फाइल होगा तो आप लेके वो काम हम करेंगे। इसकी वजह से हम लोग का कम से कम 9.5 करोड़ का काम रुका था, आज टप्पे टप्पे से ये काम हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा काम ये 3 करोड़ का काम हो रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार 10 सीट और बढ़ चुके हैं और 126 सीट हो गए हैं, तो इस बार बहुजन विकास अघाड़ी के कितने सीट आएंगे, आपको क्या लगता है? हमारे लोकनेता जितेंद्र ठाकुर ने पहले ही कह दिया है कि 126 से 126 ही, क्योंकि हमारे साथ ये पूरी जनता रहती है, इन्हें विकास चाहिए, उनको गटर पानी रास्ता चाहिए। आज 50 साल का काम यहाँ लाइट और पानी का हुआ है, टप्पे टप्पे से काम होगा, जो अपनी महानगर पालिका कम में मुड़ती है, बजट बहुत कम है, लेकिन हमारे नेता के पास, हमारे युवा आमदार के पास कभी भी मैं गया हूँ हमारे गांव के विकास के लिए, तो कभी भी हमारे लिए ना ने बोले, जो भी है काम हमारा यहाँ विकास का हमारे लोग ने रतन ठाकुर या आमदार के माध्यम से होता है। जी सर, धन्यवाद। अब बात करेंगे, आप बोलेंगे राउत मैडम, मैडम बोलेंगे, तुम बोला RCC का काम यहाँ पे हो रहा है, मराठी में बोलना, RCC का काम चालू झाला है, तुम्हाला कसा वाटतो? बरं वाटते ना, व्हायलाच पाहिजे ना। इस बार अपना नगर सेवक कौन होंगे? ये पहले से कैसे बताऊं? खड़े है ना, खड़े तो है। आपके नगर, आपके नगर सेवक कैसे होने चाहिए? जो सबका भला करे वही ना। तो ऐसा कौन है? अभी सचिन जी कर रहे हैं ना। तो RCC काम यहाँ पे आज टेंडर पास हुआ, आने वाले कुछ दिनों में ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में वार्ड क्रमांक 40 का विकास और ज्यादा होगा, तो इसमें यहाँ के लोगों की भूमिका क्या होगी? भूमिका तो अच्छी ही हो रही है अभी तक, अब आए हैं तो भूमिका अच्छी ही होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं स्थानीय लोग काफी खुश हैं और एक नई शुरुआत हो गई है। कई दिनों से लोग परेशान थे यहाँ पे, क्योंकि एक गटर का जो RCC काम था रुका हुआ था, 2020 में नगर सेवकी का जो समय था वो खत्म हो गया था, उसके बाद 2 साल कोविड था, लेकिन जैसे ही मौका मिला फिर से इस काम का टेंडर पास करा के इस काम को टेंडर के बाद इस काम को अभी करना शुरू कर देंगे, आने वाले वक्त में शायद ये काम खत्म ही हो जाएगा।